हमारे सभी रिस्पेक्टेड व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। तो आप देख सकते हैं कि हम सेक्टर 18 के मैजेस्टिक अपार्टमेंट, जो कि द्वारका की हाईली डिमांडिंग सोसाइटी है, के अंदर आपके लिए बिल्कुल पार्क फेसिंग 4 BHK का फ्लैट लेकर आ गए हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी आपको इस फ्लैट के अंदर बालकोनी मिल जाती है, मैजेस्टिक अपार्टमेंट, बहुत ही मेंटेन सोसाइटी है। सोसाइटी की बैक साइड में आपको DDA का बहुत ही बड़ा पार्क मिल जाता है। तो इसकी जो ये 3 बालकोनी है, ये आपकी सोसाइटी के इस वाले पार्क के फेसिंग रहने वाली है। आपकी एक बड़ी बालकोनी जो आपका किड्स प्ले एरिया है, और DDA के पार्क की फेसिंग रहने वाली है। पूरे दिन की घूमती हुई धूप वाला बहुत ही बढ़िया ये फ्लैट है। तो बिना टाइम खराब करते हुए ये बहुत ही बढ़िया बड़े साइज का आपको आज फ्लैट का हम टूर कराते हैं, जिसे देखने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो हम आ चुके हैं हमारे कॉरिडोर में, बिल्कुल बैक साइड में आपको सामने DDA का ये पार्क जो है, वही ये पार्क है जो कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया था। दो आपको यहाँ पर लिफ्ट मिल जाती हैं, आपको दोनों तरफ स्टेयरकेस मिल जाती हैं, और आप देख सकते हैं कि जो आपका कॉरिडोर रहने वाला है, ये बहुत ही बढ़िया वेंटिलेटेड आपका कॉरिडोर रहने वाला है। सिंगल एंट्री का आपका ये फ्लैट रहने वाला है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मेन एंट्री के ऊपर एक ही आपका लोहे का दरवाजा यहाँ पर रहने वाला है, और अंदर रहने वाला है आपका ये मेन डोर। तो यहाँ से जैसे ही हम एंट्री करते हैं, हमें एंट्री करते ही बिल्कुल हमारे सामने फर्स्ट बेडरूम और साथ में आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है आई शेप का ह्यूज ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया। तो ये जो है पूरा, ये आपका जो है ईस्ट रहने वाला है, और यहाँ से आपका जो है कोने से साउथ शुरू हो जाता है। तो पूरा ये साउथ वेस्ट का पोर्शन इस तरह से रहने वाला है, इसीलिए मैंने कहा कि पूरे दिन की धूप वाला आपका ये फ्लैट रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आपका कॉमन वॉशरूम और आपका फर्स्ट बेडरूम दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये आपका यहाँ पर कॉमन वॉशरूम रहने वाला है, साइज काफी अच्छा है, और ये रहने वाला है आपका फर्स्ट बेडरूम। तो ये देखिए, ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। अलमीरा यहाँ पर आपको 2 पल्लों की मिल जाती है, और अलमीरा आपकी अंदर ही रहने वाली है। रूम साइज की अगर बात करें तो 13 बाई आपका 13.5 का ये रूम रहने वाला है, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये बड़ी सी राउंड बालकोनी मिल जाती है। ये देखिए, इस बालकोनी का आप साइज देख सकते हैं, तो ये इतनी बड़ी यहाँ पर ये आपकी बालकोनी यहाँ पर रहने वाली है। तो बिल्कुल आप इस बालकोनी को यहाँ पीछे तक थोड़ा ले सकते हैं, शेड से कवर कराकर इस कमरे का आप साइज यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, और इसी बालकोनी के अंदर एक्सेस ले सकते हैं यहाँ ड्राइंग रूम से। ये जो है पूरा ये स्टोरेज स्पेस है, जो मैं आपको अंदर से भी दिखा दूंगी, तो ये पूरा निकलकर यहाँ बाहर तक आ सकता है, और आप इस बालकोनी के अंदर यहाँ से एक्सेस ले सकते हैं। इस वाले कमरे को पूरा पीछे तक बढ़ाकर एक बहुत ही बड़ा मास्टर बेडरूम आप प्लान कर सकते हैं। आपकी ये बालकोनी बिल्कुल सोसाइटी का जो बीच वाला पार्क है, सेंटर पार्क है, इसकी फेसिंग रहने वाली है। धूप आप देख सकते हैं, और आपकी इस बड़ी राउंड बालकोनी के अंदर आपको 2 रूमों के अंदर से आपको इस बालकोनी का एक्सेस मिलता है। अब मैंने आपको आपका फर्स्ट बेडरूम, कॉमन वॉशरूम, आपकी बड़ी राउंड बालकोनी दिखा दी है। तो ये आपका यहाँ पर ड्राइंग रूम आपको मिल जाता है, और बिल्कुल आपके ड्राइंग रूम के अंदर भी यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पर ये स्टोरेज स्पेस है। तो ये जो स्टोरेज स्पेस है, ये 3 फिट के आसपास की गहराई है इसकी, तो बिल्कुल आप इसे पूरा पीछे तक ले सकते हैं। किड्स प्ले एरिया है सामने, और बिल्कुल पीछे सर्विस लेन, और उसके बाद आपका DDA का बहुत ही बड़ा यहाँ पर पार्क रहने वाला है। और आपका ये ड्राइंग रूम की दीवार पूरी पीछे तक जा सकती है, आप पूरी पीछे तक बढ़ा सकते हैं। UPVC विंडो यहाँ पर प्लान करते हैं, तो ईस्ट की सुबह की पहली धूप आपके ड्राइंग रूम को बिल्कुल जगमगा देगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, बड़ा ही स्पेशियस यहाँ पर आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया रहने वाला है। और जो ये वाला जो स्टोरेज स्पेस है, इसी को ही मैंने बताया कि आप इसे पूरा पीछे तक ले सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, तो बिल्कुल ये आपका जो है पीछे चला जाएगा, और यहाँ से आप अपनी इस वाले बालकोनी के अंदर एक्सेस ले सकते हैं, और बिल्कुल यहीं से निकलकर आप ड्राइंग रूम से, आपके जो ये ड्राइंग रूम है, डाइनिंग एरिया है, यहीं से निकलकर आप बालकोनी के अंदर कुर्सी डालकर बैठ सकते हैं, सर्दियों में धूप सेक सकते हैं। सर्दियों की धूप इस घर के अंदर रहने वाली है। यहाँ पर आ जाता है आपका किचन, ये देखिए कितना स्पेशियस और कितना बढ़िया साइज का आपको यहाँ पर किचन मिल जाता है, और यहाँ पर बिल्कुल सेपरेट आपको आपका डिश वॉश एरिया मिल जाता है। 2 बड़ी बड़ी सिंक लगी हुई हैं। वेंटिलेशन आपको जो आपका किड्स प्ले एरिया है, बिल्कुल यहाँ सामने पीछे का जो ये छोटा पार्क है, इस तरफ से आपको जो है बढ़िया वेंटिलेशन मिल जाता है। सुबह की पहली किरण आपकी किचन के अंदर भी आएगी, तो आप जो है इस किचन के अंदर आपको धूप मिल जाएगी, यही लगभग 7-8 बजे का जब
आता है, उगता है सूरज, तो उस टाइम पर आपको यहाँ पर धूप मिल जाएगी आपके किचन के अंदर। तो किचन के अंदर अभी जो ये किचन है आपका, ये जाली वाला किचन बना हुआ है, मॉड्यूलर किचन अगर आप प्लान करना चाह रहे हैं तो आपको इसके अंदर काम करवाना पड़ेगा। रेंट के हिसाब का काम फ्लैट के अंदर हुआ है। मार्बल की आपकी फ्लोरिंग रहने वाली है, फ्रिज का स्पेस आपका यहाँ पर अंदर ही रहने वाला है। तो मैंने आपको आपका स्टार्टिंग में आपका फर्स्ट बेडरूम, कॉमन वॉशरूम, ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया, किचन मैंने आपको दिखा दिया है। अब बारी है आपके तीनों बेडरूम की, तो यहाँ पर आ जाता है आपका सेकंड बेडरूम, सामने आ जाता है आपका थर्ड बेडरूम, यहाँ पर आ जाता है आपका फोर्थ बेडरूम। तो ये बड़े बड़े चार कमरों वाला, घूमती हुई धूप वाला, जिसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने कमरों को और ज्यादा बढ़ाने की, तो ऐसा आपका ये फ्लैट रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ आपका सेकंड बेडरूम। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका सेकंड बेडरूम रहने वाला है, और ये जो आपकी अलमीरा है ये अंदर ही है, बाहर निकली हुई नहीं है। नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो है दीवार के अंदर ही है। तो इस अलमीरा को अभी यहाँ पर ये तीन पल्लों की, और नीचे ये स्टोरेज स्पेस, साथ में ये स्टडी एरिया शायद प्लान किया गया होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर काम है। बाकी अगर आप चाहें तो बड़ी बड़ी यहाँ पर जो है प्रॉपर चार चार पल्लों की अलमीरा प्लस एक अपना ड्रेसिंग एरिया, स्टडी एरिया यहाँ पर निकाल सकते हैं। रूम साइज की बात करें, 14x14 का आपका ये रूम रहने वाला है। अटैच आपको यहाँ पर ये बड़ा सा आपका वॉशरूम आ जाता है, जिसका एक्सेस आपके इन दोनों रूमों के साथ रहने वाला है। और यहाँ पर मिल जाती है आपको आपकी बड़ी बालकोनी, ये देखिए ये आपकी बड़ी बालकोनी यहाँ पर रहने वाली है, जो कि आपकी ईस्ट फेसिंग बालकोनी है। इस बालकोनी के अंदर आपको सुबह की धूप मिलेगी। आपकी बाकी की दोनों तीनों बालकनियों के अंदर आपको सर्दियों वाली जो धूप हम कहते हैं साउथ वेस्ट की, वो वाली आपकी धूप रहेगी पूरे दिन वाली। तो एक तरह से ये वाली आपकी बालकोनी, जैसे आपको अगर गार्डनिंग का शौक है, या आपको जो है मतलब आप अपना वॉशिंग एरिया यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, और फिर अगर आपको सर्दियों में धूप की जरूरत है तो आप वहाँ पर, अदरवाइज अगर अभी कपड़े सुबह सुबह जल्दी धुल गए तो बिल्कुल यहीं पर ही सफिशियंट धूप आ जाएगी। तो ये देखिए ये आपकी बड़ी बालकोनी का साइज है, और ये वाली आपकी बड़ी बालकोनी बिल्कुल सामने ये किड्स प्ले एरिया है इसकी फेसिंग, साथ में आपका बिल्कुल सामने जो ये पेड़ है यहीं पर आपकी सर्विस लें, और DDA का पार्क बिल्कुल ये पीछे, ये बड़ा वाला DDA का पार्क आपको यहाँ पर मिल जाता है। सोसाइटी आप देख सकते हैं, बिल्कुल सोसाइटी ये मुंह से बोलती है और बहुत ही डिमांड में रहती है, लोकेशन की वजह से, अपनी मेंटेनेंस की वजह से। एक हाई क्लास चैंट्री आपको इस सोसाइटी के अंदर मिल जाती है। तो 4BHK और 3BHK के फ्लैट यहाँ पर आपके जो हैं आपको मिल जाते हैं, दो साइज यहाँ पर हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका थर्ड बेडरूम। तो ये देखिए ये आपका थर्ड बेडरूम है। थर्ड बेडरूम का साइज भी आपका सेम जो है यहाँ पर जो है 14x14 के आसपास का आपको मिल जाता है। बड़ी आपको अलमीरा मिल जाती है, दीवार के अंदर ही मिल जाती है। जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा किंग साइज का बेड प्लान कर सकते हैं। दोनों तरफ आपकी साइड टेबल लगने के बाद भी काफी अच्छी चीजें आपको यहाँ पर बच जाती है आपके रूम के अंदर। और यहाँ पर आपको मिल जाता है यही वाला वॉशरूम, जो कि आपके इन दोनों वॉशरूम, इन दोनों रूम के साथ अटैच है आपका ये वाला वॉशरूम। इसी वॉशरूम के अंदर आपको एक्सेस मिलता है इन दोनों रूम का। इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाती है आपकी अटैच बालकोनी। ये देखिए ये आपकी यहाँ पर अटैच बालकोनी रहने वाली है। तो ये आपका रूम, वॉशरूम, और यहाँ पर आपकी ये बालकोनी, जो कि आपकी बहुत ही अच्छी बालकोनी है, क्योंकि इस बालकोनी के अंदर खड़े होने के बाद आपको बहुत ही अच्छा फील आने वाला है। बिल्कुल ग्रीनरी ही ग्रीनरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सोसाइटी आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी सोसाइटी बहुत ज्यादा मेंटेन है, छोटी सोसाइटी है, दो ही टावर हैं। आपको एक रिजर्व यहाँ पर पार्किंग मिल जाती है, एक आप ओपन में कहीं भी लगा सकते हैं। बिल्कुल सामने आपको सेक्टर 18 की छोटी वाली मार्केट इसी रोड के ऊपर मिल जाती है। सेक्टर 12 का यहाँ से मेट्रो स्टेशन आपका 1 किलोमीटर के बीच में ही रहने वाला है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं आपके फोर्थ बेडरूम में। तो यहाँ पर आ जाता है आपका फोर्थ बेडरूम। ये देखिए ये आपका फोर्थ बेडरूम रहने वाला है, और ये जो दरवाजे हैं अभी थोड़े पुराने हो गए, इसलिए खुद ही बंद हो रहे हैं। बाकी अगर ये दरवाजा हम खोल देते हैं, हम देख सकते हैं धूप है पूरी, दरवाजा खुलते ही धूप पूरी अंदर आपके कमरों तक आ रही है। और इस वाले रूम को भी आप मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं, क्योंकि बड़ा सा सेपरेट वॉशरूम, बड़ी वाली राउंड वाली यहाँ पर बालकोनी, पार्क फेसिंग बालकोनी, और बड़ी सी अलमीरा का स्पेस आपको मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया। और इस रूम का साइज भी आपका 14x14 के आसपास का यहाँ पर रहने वाला है। मैं दिखा देती हूँ आपको आपका वॉशरूम। ये देखिए जैसा ये फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट है, रो कंडीशन में है,
तो बिल्कुल आपके सामने है। यहाँ पर आपको हल्की सी भी कहीं पर भी किसी दीवार के अंदर सीपेज नहीं मिलेगी, धूप बहुत बढ़िया मिलेगी। आपके पास अपने घर को एक्सटेंशन करने की आपके पास आइडियाज हैं काफी सारे, और बिल्कुल हमारे पास इंटीरियर की भी टीम है, आपका फ्लोर प्लान बनवा देते हैं और आपको पूरा बता देंगे कि इतने गज का है, यहाँ यहाँ से ये बढ़ सकता है। तो ये देखिए, ये वाली बालकोनी आपकी यही बालकोनी है जहाँ से हमने पूरा वीडियो स्टार्ट किया था, राउंड वाली बालकोनी आपकी ये भी सोसाइटी के पार्क फेसिंग रहने वाली है। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, मैंने आज आपको मैजेस्टिक अपार्टमेंट का बहुत ही बढ़िया बड़े साइज का धूप वाला 4 BHK फ्लैट हमने आपको दिखाया। इस पार्क फेसिंग फ्लैट की डिमांड रहने वाली है 3,74,00,000 रुपए की। प्राइस आपका नेगोशिएबल रहने वाला है, तो बिल्कुल आप इस फ्लैट के लिए क्वेरी कर सकते हैं। चिलर होम्स की पूरी टीम आपके साथ है आपको हैसल फ्री वे से घर देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपकी कोई भी क्वेरी है, हमारे नंबर्स दिए गए हैं, हमें कॉल करें।